हाँ जी हाँ जी, ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं ना, तभी यहाँ पे उसने। अब नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 10, ये 4 फैक्टोरियल जो हमने लिया वो 4p4 का ही लिए, और 5p5, 5 men can be arranged in 5 places in 5p5 ways, तो 5 फैक्टोरियल, तो उसको हम यहाँ पे लिखते नहीं है अलग से। अरेंजमेंट मैटर कर रहा है ना, जैसे पर्सन मैन 1 मैन 2 है, अगर मैन 1 और 2 की पोजीशन इंटरचेंज कर दोगे तो ऑर्डर चेंज हो गया, तो इसलिए कम्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स एम पी आर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, 0 फैक्टोरियल इज 1, तो ये क्या रह गया 5, ऐसे ही 4p4 क्या रह गया था 4 फैक्टोरियल, दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, आपको पता है कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में मुझे गिवन है कि एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 10 स्टूडेंट्स जो हैं उनको एक एक्सकर्शन पार्टी के लिए चूज करना है। देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट ईदर ऑल ऑफ देम विल जॉइन और नन ऑफ देम विल जॉइन, कितने केसेस बनेंगे? दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस क्या बना, तीनों के तीनों जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी, और सेकंड केस क्या बना, तीनों के तीनों ज्वाइन नहीं कर रहे। टोटल स्टूडेंट्स कितने भी बने, स्टूडेंट्स चोजन फॉर द एक्सकर्शन पार्टी, ये पूरा डिटेल ऐसे लिखोगे, मैं बिशप हर एक में नहीं लिखती, बट यू हैव टू राइट कि आपका पेपर सब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स चोजन फॉर एक्सकर्शन पार्टी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर लेना इसको, इज 10। अब केस 1 बना, देन द 3 ऑफ देम, 3 ऑफ द स्टूडेंट्स join the party, first case हो गया ये। अब वो 3 join कर रहे हैं, तो it means total क्या रह गया आप मेरा, 25 में से 3 minus कर दोगे तो 22, remaining total क्या रह जाएगा, कि ये 3 ने तो जाना ही जाना है, अब total हम 10 लेके जा सकते हैं, 10 में से ये 3 जा रहे हैं, तो बाकी chosen कितने रह गए जो अभी हमें choose करने हैं, remaining to be chosen 10 हमने चूज कर लेते हैं, 10 में से 3 ऑलरेडी आ गए, तो कितने रह गए 7, यानी कि जो अब बाकी के 7 हमने चूज करने हैं जिनको लेके जाना है, दैट विल बी चोजन फ्रॉम द रिमेनिंग 22, सो दैट कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज, 22 सी 7। अब केस 2 में क्या, अच्छा यहाँ पे इनटू वैसे वो 3c3 जो 3 जा रहे हैं वो भी हो सकता है, पानी आता है आपका कॉम्बिनेशन से कैसे, तो चाहे आप उसको लिखो या ना लिखो, दैट्स वन इज द सेम, तो 22c7 तक आप ले सकते। अब केस 2 में क्या कह रहा है कि 3 ऑफ देम आर नॉट गोइंग, अब 3 नहीं भी जा रहे तो रिमेनिंग टोटल कितना आ जाएगा, अगेन 22 आ जाएगा, क्योंकि अब बाकी के जो है वो हमने चूज करने हैं 22 में से, लेकिन अब वो 3 नहीं जा रहे तो 10 के 10 अभी मुझे चूज करने हैं जो जा रहे, तो इट मींस नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग द स्टूडेंट्स विल बी 22 में से 10 के 10 हमने चूज करने हैं, क्योंकि वो 3 नहीं जा रहे, यहाँ पे वो 3 जा रहे थे तो दोनों में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे इस वाले केस में वो 3 नहीं जा रहे हैं तो टोटल में से सब्ट्रैक्ट किया, जाने वाले 10 के 10 हमें चूज करने हैं आउट ऑफ दिस 22, तो 22c10, सो द टोटल नंबर ऑफ केसेस दोनों को क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि ये अलग से केस कंप्लीट हो रहा है, ये अलग से केस कंप्लीट हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ केस
टोटल नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 22C7 इनटू 3C3 प्लस 22C10. दिस विल बी योर आंसर. डिफरेंस क्लियर है कैसे लिया? फर्स्ट वाले केस में 3 को जा रहे थे तो टोटल वाला भी 3 लेस कर दिया और 10 में से ये 3 ऑलरेडी चूज कर चुके हैं तो रिमेनिंग 22 में से 7 चूज करने. जब तीनों के तीनों नहीं जा रहे तो टोटल सिर्फ माइनस होगा. 10 के 10 हमने अभी सिलेक्ट कर लिए तो 22C10. और ये दोनों अलग अलग केसेस थे तो टोटल नंबर ऑफ डेज में दोनों को क्या करेंगे? ऐड करो. नाउ द लास्ट क्वेश्चन. इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन कैन बी अरेंज सो दैट द ऑल द एस आर टूगेदर. एस जितने भी हैं सारे के सारे इकट्ठे रखने हैं. मीन्स एस का क्या करेंगे? पैकेट बना. एस चार है, ये 4 के 4 हमने इकट्ठा एक पैकेट बना दिया. बाकी क्या है? ए 2 3 एक 3 हो गए, ये भी हो गए. देन आई कितने हैं? 2. एन कितने हैं? 2. सिंगल टी सिंगल ओ. चेक कर लो एक बार. हाँ जी, उसने हमें क्या कहा? सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर. सारे के सारे एस जो है वो हमने इकट्ठे रखने हैं. तो हमने क्या किया? एस का एक बंडल बना दिया, पैकेट बना दिया कि इसको हम एज अ सिंगल यूनिट फ्रीज करेंगे. जहां भी रखेंगे जब हम लेटर्स अरेंज करेंगे इस सारे को इकट्ठा आगे ले करेंगे जहां भी जाएंगे. ठीक है. अब इट मीन्स जब हमें वर्ड फॉर्म करना है तो ये एक सिंगल लेटर काउंट होगा. बाकी के ये लेटर्स को यूज करके इंक्लूडिंग दिस होल एज अ सिंगल यूनिट हमने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाले. अब कितने रहेंगे लेटर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये, और एक लेटर ये ट्रीट होगा 10. अब 10 को हमने अरेंज करना है तो 10 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो रेपिटेशन हो रही है. ए के लिए 3 फैक्टोरियल, आई के लिए 2 फैक्टोरियल, एन के लिए भी 2 फैक्टोरियल. और इधर ये 4 एस है, आपस में अगर इनकी पोजीशंस इंटरचेंज भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो क्या आ जाएगा? इनटू 1 करो या ना करो दैट्स नॉट सेम लेटर जब भी होता है तो इनटू कुछ भी नहीं करना होता. अगर यहाँ पे डिफरेंट लेटर्स होते हैं जैसे कल हमने ए ई आई ओ यू वाला एक पैकेट बनाया था वॉवल्स का, तो उसमें आपका आगे फर्दर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ता. जब लेटर सेम है तो सिंपली जो भी आंसर आ रहा है दैट विल बी योर आंसर. सो द नंबर ऑफ वेज इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन में अगेन 2 फैक्टोरियल. क्लियर है ये कैसे आया? चलिए अगले पे. अब नेक्स्ट जो है दैट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग जो है वर्ड्स. कोई भी एक स्पेसिफिक वर्ड होगा कि वो आपका वर्ड कितनी भी पोजीशन पे एग्जिस्ट करेगा अगर हम डिक्शनरी वाइज काउंट करें. सी योर एग्जांपल नंबर 22, एग्जांपल 22 पेज नंबर 155. क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग व्हिच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन अ डिक्शनरी व्हाट विल बी द 50th वर्ड. हमने क्या करना है? अगेन वर्ड के लेटर्स को यूज करना है. उनको यूज करके जितने भी वर्ड्स बनते हैं उन सबको ऐसे अरेंज करना है जैसे कि डिक्शनरी में अरेंज किया जाता है. और उसके बाद हमने बताना है कि जितने भी उससे वर्ड्स बन रहे हैं उनमें से 50th वर्ड जो है वो क्या होगा. स्टेटमेंट क्लियर है क्या है? तो लेटर्स कौन कौन से हम यूज कर रहे हैं? इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो क्या आएगा? ये ऑर्डर है इनका. ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे ए फिक्स कर दिया, बाकी 4 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन. हाउ मेनी वेज?
ए से स्टार्ट होने वाले हम बना रहे, तो ए मैंने फर्स्ट प्लेस पे फिक्स किया, बाकी फोर जो है प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वे, फोर फैक्टोरियल। उसके बाद अगर मैं सेकंड वाला ए लेके भी फिक्स करती हूँ वही चीज बनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट मैंने क्या फिक्स किया, तो दिस इज अगेन फोर फैक्टोरियल। फोर फैक्टोरियल कितना होता है, 4, 3, 2, 1, 24, एक गलती की है, बताओ क्या, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है क्योंकि ए आपका कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो रहा है, सो दिस विल बी 36 बने हैं। आई आ गया अगेन 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, सो दिस इज 12। अब यहाँ पे हमारे 48 बन गए, 2 अगले हम मैन्युअली करेंगे, ना तो क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अब नेक्स्ट क्या पोजीशन आएगी, एन एन ए ए जी आई, ये 49th वर्ड बन गया। अब 50th बताओ क्या बनेगा, आई पहले आ गया, जी बाद, तो दिस इज द 50th वर्ड, यही हमें निकाल, आ गया समझ में। जी दोबारा देखो, उसने हमें कहा था फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। अब हमने ये पार्ट स्किप कर दिया, हमने अभी ये किया नहीं, अगेन के लेटर्स को यूज करके कितने वर्ड्स हम फॉर्म कर सकते हैं, अभी हमने वो नहीं निकाला। हमने अभी क्या किया है, इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन अ डिक्शनरी, डिक्शनरी की फॉर्म में अगर हम अरेंज करें, व्हाट विल बी द 50th वर्ड, इसमें से 50th वर्ड क्या होगा, तो हमने पहले अभी 50th वर्ड निकाला। हमने क्या किया, पहले प्लेस के ए को फिक्स कर लिया, उसके बाद 4 प्लेसेस रह गए, 4 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय द रिमेनिंग 4 लेटर्स इन 4 फैक्टोरियल प्लेस, जी को फिक्स किया, 4 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 4 फैक्टोरियल प्लेस, ए की रेपिटेशन हो रही थी तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ए 2 टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा था, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, आई को फिक्स किया, 4 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 4 फैक्टोरियल प्लेस, अगेन 2 ए स्टार 2 फैक्टोरियल डिवाइड किया, 12 + 12 = 24 + 24 = 48 वर्ड्स यहां तक बन, हमें 50th वर्ड बनाना था, तो अब ये आए तक सारे बन गए हैं। नेक्स्ट क्या है, एन, तो हमने ये मैनुअली कर लिया, एन के बाद डबल ए जी आई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद अगेन एन के बाद डबल ए जी आई की पोजीशन इंटरचेंज कर दी, आई जी, ये 48 यहाँ तक हो गए थे, दिस इज 49, दिस इज 2। अब टोटल नंबर ऑफ पेज वर्ड्स कितने फॉर्म होंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए रेपिटेशन हो रही है, तो दिस 5 फैक्टोरियल इज 120, 2 फैक्टोरियल इज 2, तो 60 वर्ड्स कैन बी, ठीक है। मोस्टली जैसे अभी हमने यहाँ स्किप कर दिया, पेपर में भी यही होता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नीचे अगर 3 ऑप्शंस गिवन होती है तो सबसे ऊपर क्वेश्चन में ये आपका दिया होता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज या फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स व्हिच कैन बी फॉर्मड यूजिंग द लेटर्स ऑफ, कोई भी वर्ड आगे आपको गिवन होगा तो वो पार्ट आपने स्किप नहीं करना है, वो बेमतलब का एक नंबर बच्चे यूज करते हैं, जबकि ये वाला पार्ट सबसे ईजी होता है, तो स्टेटमेंट पेपर में ध्यान से। उसमें आप ऐसे कर लेते ना, फर्स्ट प्लेस ये फिक्स करके, अगर आगे मतलब जैसे था तो 3 फैक्टोरियल आ गया, फैक्टोरियल यानी कि 6, तो वो आप अकॉर्डिंगली फिर एक और। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड रचित, and if these are arranged in dictionary, what will be the number of the letter this word Rachit, कौन से number पे exist करे, पहले find the total number of letters with or without meaning that can be formed using the letters of Rachit, कितने हैं ये total, 3 and 3 6, तो 6 factorial, no repetition is there, आप रचित कितने प्लेस पे अरेंज एग्जिस्ट करेगा इफ द लेटर्स ऑफ दीज वर्ड्स आर अरेंज्ड एज इन अ
dictionary. If the words formed from the letters of these words are arranged as in dictionary, then what is the rank of this word Rachit? Rachit ka rank alphabetical order mein likho pehle. H I R T. Chalo, kya aayega? A fix kar doge pehle, bilkul theek hai. 1 2 3 4 5 और अरेंज करने हैं ना, 6 से टोटल, तो दिस 120 हो गया. अब फिर क्या करेंगे, C को फिक्स कर देंगे. 1 2 3 4 5 दिस इज अगेन 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120. नेक्स्ट H को फिक्स किया, नेक्स्ट में I को फिक्स कर लेंगे क्योंकि रचित का हमें निकालना है. यहाँ तक क्लियर है? मेघा डाउट है कोई पूछ लो बच्चे. वर्ड रचित, इसी को निकालना है कि कौन इसका रैंक निकालना है कि कितने प्लेस पे एग्जिस्ट करे, तो इन सबको हम ऐड कर देंगे क्योंकि नंबर आ. अब आर फिक्स किया, आर के बाद ए फिक्स किया, ए के बाद सेम ऑर्डर में है, यही ऑर्डर है इंक्रीजिंग. यहां से मैंने बीच में से आर निकाल के यहाँ लिख दिया, तो बाकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है. ठीक है, तो जब मैंने आर को फिक्स किया तो ये वर्ड ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे फॉर्म हो गया. अब कितने प्लेस पे एग्जिस्ट कर रहा है वो हम काउंट कर रहे हैं. 120 120 120 120 एट वन कितना आया, 481. तो रैंक ऑफ दिस वर्ड रचित इज 481. फर्स्ट प्लेस पे एग्जिस्ट करेगा the words formed by the letters of the this word Rachit are arranged as in alphabetical order as in dictionary, so the rank of the word will be 481. same, ab rank of the word aapne nikalna hai father. iska sirf rank nikalna hai, kyun hai पढ़ना है ना. यहाँ पे भी कौन सा था हमने खुद लिखा था, कहाँ था आर सबसे पहले आते हैं बेटा, तो फिर हम उसमें एफ को फिक्स कर देंगे. कोई किसी भी वर्ड का हम रैंक निकाल सकते हैं. सो कंडीशन क्या है कि सिर्फ इसी लेटर्स जो इस वर्ड के लेटर्स हैं उनको फॉर्म करके अरेंज कर रहे हैं डिक्शनरी, अल्फाबेट से नहीं ले. पहले लिखो इसका ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो क्या क्या आएंगे. A, E, S, H, R, T. अब A को फिक्स करो, E को फिक्स करो, ये तो दो आपके सेम आ जाएंगे. ठीक है, चले आगे. अब किसको फिक्स करेंगे, F को. अब F के बाद A को फिक्स किया, फिर मुझे F के बाद क्या चाहिए, F A के बाद T चाहिए. तो इट मींस F A के बाद E ऑलरेडी हम यहाँ फिक्स करके, दिस कैन बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल वेज. हाँ जी बेटे, मुझे F A के बाद थर्ड लेटर T चाहिए. मैंने फर्स्ट टू लेटर्स फिक्स कर दिए F और A, तो F और A को छोड़ के अब ये ऑर्डर E H R पहले एग्जिस्ट कर रही है पी से. इट मींस थर्ड प्लेस पे अब मैं फिक्सिंग करूंगी E की, H की, R की. ठीक है, फिर T वाले वर्ड पे हम, क्योंकि हम अल्फाबेटिकल वे में आ रही है. बट ये थ्री रह गए ना प्लेसेस. यहाँ पे मैंने E को भी फिक्स कर दिया, क्या था F, ये तीन मैंने फिक्स कर दिए, तो ये तीन रह गए ना, तो 3 फैक्टोरियल. हाँ, 3 फैक्टोरियल दैट इज 6. हाँ जी, विद और विदाउट मीनिंग. हाँ जी बिल्कुल. नेक्स्ट क्या आएगा, F A के बाद किसको फिक्स कर देंगे, H, तो अगेन ये भी 3 फैक्टोरियल 6. इसके बाद F A R को फिक्स कर दोगे 6. अब हम आगे T. हाँ जी बिल्कुल. अब ये 3 प्लेसेस हम फिक्स कर रहे हैं.
अब पहले क्या आएगा यहाँ पे ई ए आ गया ना, ऐसे टी ही आएगा पहले, दो प्लेसेस रह गए, दैट कैन बी टेल्ड टू वेज, फिर एफ के टी ई के बाद एच आ जाएगा और फिर ई पहले आता है आर से, यानी कि ये वन वे है। समझ आया? कितने बने टोटल? 120 प्लस 120 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1, काउंट करो कितना होगा। ठीक है, तो रैंक ऑफ द वर्ड फादर इज द लेटर्स ऑफ द वर्ड, द वर्ड फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड फादर आर अरेंज्ड एज इन डिक्शनरी, देन द रैंक ऑफ द वर्ड फादर इज 261। ठीक है, अब करके दिखाओ तुमसे बेटे, ई पहले आएगा आर से, मैंने अब चार फिक्स कर दिए, डी एच, हाँ जी, ऑर्डर इनका चेंज कर नहीं सकते क्योंकि ई आर भी मुझे चाहिए, तो ई पहले आएगा आर बाद में आएगा। गॉट इट नाउ? एक और करो इसका, अब मदर का ब्रांच होगा, इसका लेटर्स ऑफ द वर्ड mother, if the words formed from the letters of the word mother are arranged as in dictionary, then what will be the rank of the word mother? क्या ऑर्डर बना इसका? ई एच एम ओ आर टी, क्या बना पहले, सबसे क्या आया? ई को फिक्स किया, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो यू हैव टू डू दिस। ई के बाद क्या लें? ये लेटर मैंने पहला ई ले लिया, अब नेक्स्ट कौन सा आएगा? एच। कितने वेज में इट कैन बी अरेंज? नेक्स्ट इज एम, एम के बाद क्या करेंगे? ई को फिक्स कर देंगे, एम के बाद मुझे ओ चाहिए, तो एम के बाद ई को फिक्स किया, कितने लेटर्स दैट कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल। उसके बाद एम के बाद एच को फिक्स कर देंगे अगेन 4 फैक्टोरियल, फिर एम के बाद ओ और फिर ई को फिक्स करोगे 3 फैक्टोरियल, उसके बाद एमओ एच को फिक्स करोगे। अब हम थर्ड प्लेस देखो, पहले वाले में हमने सिर्फ 1 लेटर फिक्स किया, फिर 2 लेटर फिक्स किए, फिर 3 किए, तो एमओ एच अगेन दिस कैन बी 3 फैक्टोरियल, फिर एमओ आर 3 फैक्टोरियल, फिर एमओ टी, उसके बाद ई 2 फैक्टोरियल रहेंगे, देन एमओ टी एच एक ही बनेगा इसका, दिस कैन बी अरेंज्ड इन वन वे। आपको तब तक ये चीज करते जाना है
जब तक नेक्स्ट नेक्स्ट लेटर नहीं मिलता, ठीक है। पहले एक लेटर से फिक्सिंग की, फिर दो की, फिर थ्री की, फिर फोर की, और लास्ट में फोर वाले से ही हमें फोर मिल गया। हाँ जी, 24। कोई रेपिटेशन नहीं है तो अकाउंट में नहीं आया कुछ भी। कितना बना ये 120, 120, दिस इज 24, 24, 6, 6, 6, 2 and 1, 3, 9. 309 will be the rank of this word. Clear? ये एक टाइप और हमने इसकी एक्स्ट्रा करनी है, वो कल करेंगे क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, अभी हमारे पास सिर्फ 2-3 मिनट रह गए। उसमें क्या है, लाइक आपको वर्ड गिवन है मैथमेटिक्स, यू आर टू अरेंज मेक अ 4-letter वर्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। उसका सिर्फ बेस कंसेप्ट देख लो क्या हम करेंगे, क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स है, इसके हमने 4-letter वर्ड बना, ठीक है। अब यहाँ देखो कौन सा लेटर कितने टाइम एग्जिस्ट कर रहा है, एम कितने टाइम्स है, 2 times, ए 2 times, ए टी, एच सिंगल, देन ई सिंगल, एम हो गया, ए हो गया, टी हो गया, आई सिंगल, सी सिंगल एंड एस सिंगल। अब जब मुझे 4-letter वर्ड्स बनानी है तो मैक्सिमम 2-2 वाला है, यानी कि एक केस मेरे पास बनेगा when two are alike and two are alike, यानी कि दो दो के कॉम्बिनेशन में सेम वर्ड्स आ। ये केस समझ आए कि इन दो में से जो दो दो गिवन है, मैंने कोई एक और कोई एक इधर के, चाहे मैंने यहाँ दोनों एम दोनों टी डाल दिए, या दोनों टी दोनों ए डाल दिए, दोनों एम दोनों ए डाल, 4-letter वर्ड हम बना रहे हैं उनके कॉम्बिनेशन। देन केस टू हमारा क्या बनेगा, केस टू में एक तरफ हमने एक अलाइक ले लिए और टू डिफरेंटली, दो मैंने इनमें से उठा लिए, एक पेयर यहाँ डाल दिया या यहाँ डाल दिया, और बाकी इनमें से जो सिंगल सिंगल थे टू डिफरेंटली, यानी कि 4 में से 2 सेम और 2 different, got it? Then case 3 क्या बनेगा, सारे के सारे different। और भी कोई केस बन रहे, इसी में आ जाएगा ना, हाँ ऑल डिफरेंट विद सिंगल वाले आ गए ना सारे। मेरे पास मैक्सिमम जो नंबर है वो 2 है रेपिटेशन, ठीक है। तो मैंने पहला केस ले लिया कि दो पेयर वाले ही रिपीट करो, यानी कि इन 3 में से कोई 2 5 letters यहाँ पे फिक्स कर दिया। फिर सेकंड केस लिया कि एक पेयर यहाँ फिक्स कर दिया डबलिंग वाले से और 2 differently, और थर्ड केस क्या लिया, सारे के सारे डिफरेंट ले लिए। इनके अलावा और कोई केस बनता है इसमें, और नहीं बनेगा कोई, क्योंकि एक पेयर अलाइक ले लिया, दोनों पेयर अलाइक ले लिया और ऑल डिफरेंट ले लिया। बाकी क्या करना कैसे है दैट वी विल सी, ठीक है। कल हम इसी टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो एज द टाइम इज ओवर आई एम एंडिंग द मीटिंग, यू कैन लीव नाउ, इफ एनी डाउट इज देयर देन यू कैन आस्क।